तकरीबन 5 साल तक बीसीसीआई के सेक्रेटरी और तकरीबन 3 साल तक एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन रहने वाले जय शाह अब आईसीसी की चेयरमैनशिप के लिए कंटेस्ट करने जा रहे हैं। और जितने इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल जय शाह हैं, इस बात में कोई शक नहीं है कि वो आईसीसी के अगले चेयरमैन बन जाएंगे। जय शाह के टेन्योर में जितना फायदा बीसीसीआई को हुआ है, इससे पहले कभी भी फाइनेंशियली इतना बेनिफिट या इतना प्रॉफिट बीसीसीआई को नहीं हुआ। ये बात तो आप सब जानते हैं कि इंडिया में क्रिकेट सबसे ज्यादा होती है, इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। लेकिन एक ऐसी कहानी भी है जिस कहानी से आप में से अक्सर लोग वाकिफ नहीं होंगे, वो ये है कि जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन होने के साथ साथ आईसीसी की सबसे तगड़ी यानी सबसे बड़ी फाइनेंशियल कमेटी जो होती है, जो कमर्शियल एंड फाइनेंस की कमेटी है, जय शाह उसके हेड भी रहे हैं। इस कमेटी में जय शाह के अलावा जो लोग हैं, अगर आप उनका सुनेंगे आप तब भी हैरान रह जाएंगे कि एक मेंबर इस कमेटी में आयरलैंड से है, एक मेंबर जिम्बाब्वे से है, जबकि इस कमेटी में एक जो जनरल सेक्रेटरी है उसका ताल्लुक भी इंडिया से है और एक और जो जीएम है इस कमेटी में उसका ताल्लुक भी इंडिया से है। यानी आप ये अंदाजा लगा लें कि प्रॉपर इंडिया की मोनोपोली चल रही है आईसीसी में भी। और जो रीसेंट फाइनेंशियल मॉडल लाया है 2023 से लेकर 2027 तक, इसमें सबसे ज्यादा फायदा दिया गया है इंडिया को। अगर इस फाइनेंशियल मॉडल की हम बात करें जो 2024 से 2027 तक है, तो आपके सामने आप देख सकते हैं कि $231 मिलियन इंडियन क्रिकेट बोर्ड को दिया जाएगा, जो कि तकरीबन 38.5% बनता है। पाकिस्तान को तकरीबन $34 मिलियन बनेंगे, जो कि सिर्फ 5% हिस्सा बनता है। देखिए, मसला ये नहीं है कि इंडिया 38.5% ले रहा है और पाकिस्तान को सिर्फ 5% कट दिया जा रहा है। मैं कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। सबसे पहले आप ये देखें कि जो पिछला 8 साल का फाइनेंशियल मॉडल है, उसमें इंडियन क्रिकेट बोर्ड को यानी बीसीसीआई को कितने पैसे मिल रहे थे। तो आप ये देखिए कि पिछले फाइनेंशियल मॉडल के मुताबिक इंडिया को 22.4% मिल रहा था टोटल आईसीसी के रेवेन्यू का, जो कि अब 22.4% से 38.5% पे आ गया। यानी पहले $46 मिलियन इंडिया को मिलते थे पर ईयर और अब $231 मिलियन मिलेंगे। अब आप ये देखें कि ये कार्रवाई की कैसे गई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि इस फाइनेंशियल मॉडल को इंडिया ने अपने हक में कैसे तब्दील किया। और जय शाह जिन पर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा तनकीद की जाती है, इंडिया में उनको बहुत ज्यादा उन पर तारीफें की जाती हैं, उन्होंने बीसीसीआई का फायदा कैसे किया, आप जरा ये चेक करें कि जो नया फाइनेंशियल मॉडल है, इसके अगर आप कॉम्पोनेंट्स देखें, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसको डिवाइड किया गया है क्रिकेट पर, परफॉर्मेंस पर और कमर्शियल पर। परफॉर्मेंस का पैरामीटर क्या रखा गया है, अगर आप सोचें, परफॉर्मेंस का पैरामीटर है पिछले 5 साल की नहीं, 10 साल की नहीं, 16 साल की परफॉर्मेंस। 16 साल की परफॉर्मेंस में जब आप बात करते हैं, तो इंडिया के पास एक आईसीसी इवेंट आ जाता है, जिसकी वजह से इंडिया को परफॉर्मेंस में भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। क्रिकेट में तमाम टीम्स को इक्वल वेटेज दी गई है 8.3%। परफॉर्मेंस में हर टीम की वेटेज अलग है। ऑस्ट्रेलिया की वेटेज 21.9 है, जबकि इंडिया की इसमें वेटेज 17.4% है, यानी सेकेंड हाइएस्ट। अब हम आ जाते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और वो है कमर्शियल। दुनिया की तमाम टीमें एक तरफ, यानी आप 8 से 10 टेस्ट प्लेइंग नेशंस को एक तरफ कर दें, जिनका रेवेन्यू टोटल मिलाकर 14.5% बनता है, इंडिया अकेले ने अपना कमर्शियल रेवेन्यू जो कि इंडिया जनरेट करके देता है आईसीसी को, वो 85% रखा है। इसका मतलब यह है, आम अल्फाज में अगर आपने समझना है, कि इंडिया दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमर्शियल रेवेन्यू जनरेट करता है। इस हिसाब से इंडिया को कमर्शियल के लिए सबसे ज्यादा पैसे दिए जाएंगे आईसीसी की तरफ से। जी हाँ, तो दैट गोज टू शो के चूंकि 85% कमर्शियल रेवेन्यू इंडिया से आता है, तो इंडिया को कमर्शियल में सबसे ज्यादा आप वेटेज देंगे और सबसे ज्यादा जो पैसे हैं इंडिया को वो मिलेंगे। तो इस तरह एक प्रॉपर मोनोपोली बनाई गई जय शाह की तरफ से, जिसका ऑल इन ऑल मकसद ये था कि बीसीसीआई को फायदा करवाया जाए और बीसीसीआई जो है वो उसे सबसे ज्यादा इस फाइनेंशियल मॉडल में पैसे मिले। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जय शाह चूंकि हेड है आईसीसी की फाइनेंस और कमर्शियल कमेटी के, तो इस फाइनेंस और कमर्शियल कमेटी में 2 मेंबर्स थे, एक जिम्बाब्वे और दूसरा आयरलैंड। इसके अलावा आईसीसी के एक और जो एक्स ऑफिशियल मेंबर है, जिनमें जॉर्ज बाकले थे, आईसीसी का चेयरमैन बनाया गया जय शाह की तरफ से, और उसकी शर्त भी ये रखी गई कि वो आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे तो आईसीसी का जीएम मीडिया होगा वो इंडिया की तरफ से होगा, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर होगा वो इंडिया की तरफ से होगा। इसके अलावा इस फाइनेंस एंड टेक्निकल कमेटी में
दो बंदे भी इंडिया के रखे जाएंगे। जिम्बाब्वे को इस तरह अकोमोडेट किया गया कि इंडिया ने जिम्बाब्वे के साथ एक बायलेटरल सीरीज के लिए, आपको याद होगा तकरीबन साल या दो साल पहले इंडिया ने जिम्बाब्वे का टूर किया, एक बहुत ही बी या सी क्लास टीम इंडिया ने भेजी। आयरलैंड के साथ भी इंडिया ने अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप से पहले जो है वो बायलेटरल सीरीज खेली। तो इस तरह एक पूरा जाल बिछाया गया सिर्फ इंडिया को एडजस्ट करने के लिए, सिर्फ इंडिया को पावर देने के लिए, और ये पूरा जाल बिछाया गया है जय शाह को आईसीसी का अगला चेयरमैन बनाने के लिए। जबकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये सिस्टम चल रहा है, म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं कि हमारे क्रिकेट बोर्ड का अगला चेयरमैन कौन बनेगा। पाकिस्तान को आईसीसी के फाइनेंशियल मॉडल में से सिर्फ 5% हिस्सा दिया गया है, इंडिया खुद 40% हिस्सा ले गया। आपको 5% हिस्सा दिया है, ना आप एहतजाज कर सकते हैं, ना आपकी एहतजाज की भी बात को कोई सुनेगा, क्योंकि एक मीटिंग में आपका एक चेयरमैन जाता है, अगली मीटिंग में आपका दूसरा चेयरमैन जाता है। ना तो आपका कोई चेयरमैन एक है, ना ही आपका स्टांस एक है, इसी वजह से आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने जो अपना ग्राउंड सेट किया था आईसीसी की चेयरमैनशिप के लिए, जय शाह उस ग्राउंड सेट करने में भी कामयाब हुए और अब वो अगले आईसीसी के चेयरमैन भी बन जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बने तो आपको अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग बचाने के लिए बहुत कुछ करना होगा, क्योंकि ये वही जय शाह हैं जिन्होंने आपसे एशिया कप के होस्टिंग राइट्स भी छीने थे, एशिया कप की जर्सीज पे भी आपका नाम नहीं आने दिया था, और ये वही जय शाह हैं जो अब आपको चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने में भी मुश्किलात का सामना करवाएंगे। ये बात आप लिख लीजिए कि इंडिया बीसीसीआई और इवन आईसीसी भी मसला क्रिएट करेगा पाकिस्तान का 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए।